lala ra samli ne ra bar ne ba samli bar चलो 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 सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पे रनाचंडी टेम्पल में जा रहा हूँ फैमिली के साथ। और यहाँ पे ना आज बहुत लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे जानेंगे, मतलब कि यहाँ का प्लेस भी तो फेमस है ना इसलिए। तो गाइस मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। क्यों मैं इतना दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका भी एक रीज़न है, बाद में बताता हूँ आपको, ब्लॉग के जरिए मैं आप लोग को बताऊँगा। और फिलहाल यहाँ का नज़ारा देखो गाइस, यहाँ आने से कुछ अलग सा हो जाता है। आ हा हा खिन बना आ हा थोड़ा हिलने लगे इसलिए ना। ये जो हैंगिंग ब्रिज है ना, लास्ट ईयर का 2023 का जनवरी 12 को ओपनिंग हुआ था, और ये जो रनाचंडी टेम्पल जो है 13 को ओपनिंग हुआ था। रनाचंडी टेम्पल के सिर्फ एक दिन पहले ये हैंगिंग ब्रिज जो है ओपनिंग हुआ था। तो सो गाइस बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और इस टाइम में वेदर भी अच्छा है। और कौन जबा है साम लेनी ना, हाँ ये लोग भी यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और गिटार बजा के ना, अच्छा है गिटार बजा के गाना गुनगुनाना ना, अच्छा है, अच्छा लगता है ऐसा। तो वेदर ही ऐसा है और व्यू ऐसा है तो क्यों ना गाना गाया जाए ना। सो गाइस यहाँ पे ना लास्ट ईयर के जब हम लोग आया था तब उस टाइम में बहुत सारे फ्लावर्स देखे थे यहाँ पे, लेकिन अभी ये सब साइड गायब हो गया है। सीजन का फ्लावर है साइड, वो सब अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहे, और बाकी जो फेयर है ना वो सब तो दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये जो है गेट, लास्ट मेरा ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया है, फिर भी मैं इस पर और भी दिखा रहा हूँ। और इस साइड में ना ये देखो, शू एंड चप्पल इज नॉट अलाउड हियर, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। हाँ क्या फोटो ले रहा है? हाँ यहाँ पे भी है ना फिश है ना यहाँ पे भी। सो गाइस लास्ट टाइम में ना यहाँ पे हम लोग जब आया था तो यहाँ फूल ही फूल, सारा तरफ फूल देखो गाइस फूल गायब हो गया। यहाँ बहुत सारे फूल थे उस समय, लेकिन अभी जो है ना फूल गायब हो गया। वाह क्या है ये टॉर्टस है क्या, दिखाई दे रहा क्या? नहीं ये तो इससे क्या ना पत्थर से बनाया हुआ टॉर्टस है, लेकिन ओरिजिनल भी है यहाँ पे, हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ तो गाइस लास्ट ईयर को जब हम लोग यहाँ पे आया था ना तो उस टाइम में हम लोग यहाँ पे मूरी फेंका था, तो बहुत सारे मछली ना वो लाल लाल करके ना वो निकाला था, निकला था यहाँ से। और आज भी देखते हैं यहाँ पे मूरी फेंकने के बाद में निकलता है कि नहीं लास्ट ईयर का जैसे। एक बार में यार कर नहीं है, नहीं आ रहा यार लास्ट ईयर से देख, हाँ आना शुरू हुआ, एक दो आना शुरू हो। देखो आप लोग भी देख सकते हैं ना लास्ट ईयर जैसा बिल्कुल भी मछली नहीं है यहाँ पे देखो। एहे हम लोग का मूली ही लॉस हो गया, देखो नहीं खा रहे एक भी यहाँ का पीस। ओ आ गया एक आया, लेकिन दो आ रहे अभी आ रहे। जनरे लास्ट ईयर से इस बार फीस थोड़ा कम हो गया ना,
तीन थोड़ा बड़ा है। हाँ बड़ा हुआ ना, बड़ा हुआ अभी भी खा रहा है। देखो देखो चलो जनरी यहाँ से निकलते हैं। क्या रूमी आपको फोटो मिल गया? फोटो फोटो खींचने के लिए जिद किया था ना आने के लिए। हाँ चलो थोड़ा बैठ के मजा ले लेते हैं ना। शाम को यहाँ पे आए हैं आके, बट अच्छा लग रहा है। फ्रेश फ्रेश हवा, खुला 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 जगह है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। देखो अभी लाइट जलाना शुरू कर दिया। हाय, फोटो देख रहा था हम लोग। आपका फोटो भी बहुत सारा। क्या खा रहे? दिस ओके। बहुत से लोग आ रहे हैं, अभी शाम हो गया ना इसलिए। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा नहीं, मतलब बहुत दिन के बाद आया ना इसलिए थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे जो स्टेचू जो बनाया गया है ना, वो सबको मैं दिखाता हूँ आप लोग। फोंगलो डाउगा, ये जो है फोंगलो डाउगा, ये जो है रेमेडी म्यूंग डाउगा। तो गाइस ये राजा हरिश्चंद्र नारायण हसनुसा है, थाउसेंसा ये राजा है। सो गाइस, और एक राजा से मिलाता हूँ आप लोग को, ये है राजा मेगाबल नारायण बोडोसा है, ये राजा है। यहाँ पे जितना ये है ना स्टेचू है ना, उसमें मैं धूपकट्टी जलाऊंगा क्योंकि आज जो है एक साल हुआ है इसलिए। और फर्स्ट मैं यहाँ से शुरू करूँगा। सो गाइस, लास्ट 2023 में ना, आज जनवरी 13 में इसे ओपनिंग किया गया था स्टैचू बनाने के बाद में, तो आज फिर 2024 का जनवरी 13 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे धूपकट्टी जलाने के लिए आया। तो गाइस ये जो है ना सेनापति तुलाराम है, सेनापति तुलाराम। सो गाइस आप लोग को ये दिखाता हूँ, आज मैं फिर से आप लोग को दिखाता हूँ इस टाइम में ना कितना अच्छा लगता है लाइटिंग के साथ यहाँ पे, वो सब दिखाता हूँ आप लोग को। तो गाइस देखो जनरी, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आप? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना, देखो अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगा आके। तो गाइस शाम को ना यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, कोई दोस्तों के साथ यहाँ पे ना यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी आइए यहाँ पे आके एंजॉय कीजिए। देखो यहाँ पे ये लोग भी हैं दोस्तों के साथ, और वो उस साइड में भी है। फोटो शूट लगेगा ना? नहीं 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 नहीं।
हाँ शाम को आना चाहिए ना। यस सही बोला आपने, फैमिली के साथ दोस्तों के साथ। तो गाइस बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉग किया ना, इसलिए शायद मेरा कैमरा भी ना आज साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि शूट करने के वक्त 30 सेकंड के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाता है, एक मिनट भी नहीं रहता ये अपने आप ऑफ हो जाता है। तो गाइस ना मैं ये बोल रहा था कि थोड़ी देर बाद ना मेरा ये जो गोप्रो है ना ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ मैं ये जानता हूँ कि बहुत दिन हो गया ना मैं गोप्रो ऑन नहीं किया, इसलिए भी हो सकता है एक मिनट भी नहीं ये कंटिन्यू नहीं रहता, 30-35 सेकंड में ये अपने आप शट डाउन हो जाता है। तो ये है, दिखाना पड़ेगा इसको क्या हुआ है। सो गाइस आज यहाँ पे आके ना बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पे खास करके जो यहाँ पे हम लोग का जो स्टैचू बनाया ना, ये स्टैचू हम लोग एक साल के बाद हम यहाँ पे आके आशीर्वाद लिया, धूपकट्टी जलाया, मोमबत्ती जलाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। लेकिन यहाँ के लोग जो है ना बहुत कम दिखाई दिया, एक साल हो गया लेकिन बाकी लोग जो है ना यहाँ पे नहीं आया, ये मतलब ये एक साल का ना वो धूपकट्टी भी वो मोमबत्ती भी जलाने के लिए बहुत कम दिखाई दिया, मतलब हम लोग को छोड़ के कोई भी नहीं जलाया आज में। तो वही है आदमी का सोच, ये मतलब माइंडसेट ना ऐसा हम लोग चेंज होना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे इस तरह से घर बनाया है, यहाँ पे फॉरेस्ट के लोग ना यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। हाँ अगर बच्चा है तो देना नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा लोग को ना बड़ो लोग के लिए पर हेड 20 रुपीज़ लेता है यहाँ पे एंट्री फी। तो बस यही है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। सो गाइस आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय बाय।